हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी और आज मैं कैसी लग रही हूँ बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। और ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, कैसे मैं तैयार होती हूँ अपनी वीडियो शूट के लिए, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं तैयार हो चुकी हूँ, पर मैं ऑलरेडी शूट भी कर चुकी हूँ आप लोगों के लिए। फटाफट से आप वो देखो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कहाँ तैयार होती हूँ। तो ये है एक मेरा जो कि मेरे बेडरूम में है, यहाँ पे मेरा सारा सामान रहता है, नीचे मेरे कपड़े। और इस अलमीरा को खोल के मैं ये ड्रॉर इस तरह से खोल लेती हूँ और यहाँ पे फिर मेरा तैयार होने का सामान रहता है, ऊपर डेली यूज़ का सामान रहता है। तो आइए चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे तैयार होती हूँ। ओके, तो मैंने कैमरा यहाँ पे अपनी अलमारी में किसी तरह से अरेंज कर दिया है ताकि आपको लुक दिखे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है क्योंकि लाइट जो है वो यहाँ मेरे पीछे है या फिर यहाँ पे है, मेरे फेस पे कोई लाइट नहीं है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी ब्राइटनेस कम लग रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी जब मैं पूरी तरह से तैयार हो जाऊँगी तो लाइटिंग में जाके आपको पूरा लुक दिखा दूँगी। फिलहाल आप स्टेप्स देख लीजिए। सबसे पहला जो मैं काम करती हूँ वो है अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना। अभी मेरे फेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, मैंने जस्ट अभी बात लिया है। और सबसे पहले चाहे मैं शूट कर हूँ या नहीं कर रही हूँ, सबसे पहला तो मेरा काम यही होता है कि मैं नहाने के बाद जब तैयार होने लगूँ तो पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँ। आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, वो मैं ये पॉन्ड्स का ये जेल यूज़ कर रही हूँ। ये देखो, ये है पॉन्ड्स का हाइरोलोनिक एसिड प्लस विटामिन ई लाइट जेल। और इसका लिंक मैं कोशिश करूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको अमेज़ॉन लिंक मिलेगा और वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इनमें से जितने भी मुझे अमेज़ॉन पे दिखेंगे मैं सबका लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से क्लिक करके अगर आपको कुछ भी इनमें से ऑर्डर करना हो तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और एक और चीज़, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट स्पॉन्सर नहीं है, ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, अपने पैसों से मंगवाया है और मुझे अच्छा लगता है, मैं यूज़ कर रही हूँ इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर यूज़ करना हो तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस जेल से। ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम जैसा आप समझ लो या जेल समझ लो, ये जेल की फॉर्म में है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेटर है। बिकॉज ऑयली स्किन में क्या होता है ना कि हम जब क्रीम वगैरह लगाते हैं तो बहुत चिपचिप जैसा फील होता है, ये बिल्कुल जेल जैसा है ये देखो। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फेस को मॉइस्चराइज कर देता है और एकदम बिल्कुल स्मूथ सा बना देता है। तो नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में मैं इसे यूज़ करती हूँ और जब शूट होता है, शूटिंग से पहले, तैयार होने से पहले भी मैं इसे एज अ थोड़ा सा एक बेस मॉइस्चराइजिंग के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, बहुत ही इजीली ये फेस पे ग्लाइड हो गया, फेस को बहुत ही एक अच्छा सा देखो शाइन इसने दी है और मॉइस्चराइज करता है। नेक्स्ट जो मेरा अब स्टेप होता है वो ये है कि कोई भी बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, हल्का सा थोड़ा सा मैं यूज़ करती हूँ। फिलहाल जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, वो मैं ये पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लोग इसे ऑलरेडी यूज़ करते होंगे, अगर नहीं यूज़ कर रहे तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई पार्टी मेकअप का लुक इससे नहीं क्रिएट हो सकता, लेकिन छोटा मोटा कोई गैदरिंग है, छोटी सी कोई फंक्शन है, उसके लिए आप इससे रेडी हो सकते हो। मैं इसे पूरे फेस पे नहीं अप्लाई करती, सिर्फ जहाँ जहाँ पे मेरे फेस पे हल्की सी डार्कनेस मुझे लगती है, जैसे कि मेरे लिप के अराउंड एरिया, अंडर आई एरिया या फेस पे जहां भी मुझे स्पॉट लगते हैं वहां पे सिर्फ मैं से अप्लाई करती हूं। तो आइए मैं आपको दिखाती हूं। तो बस इतना सा ही मैं इसे अप्लाई करती हूं। अंडर आईज में मैं इसको अच्छे से अप्लाई करती हूं क्योंकि यहां पे हमारी चाहते ना चाहते हुए भी थोड़ी सी डार्कनेस हो जाती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ हो रहा है इस टाइम पे, स्लीपिंग पैटर्न भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो ये उसमें मेरी हेल्प करता है और अंडर आई में और लिप्स के आसपास और बस। और बाकी जो एक्स्ट्रा बच जाता है फिंगर्स में, उसी को ही थोड़ा सा मैं नेक पे, फोरहेड पे, आईलिड पे, यहाँ पे अप्लाई कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा कोई मेकअप मैं नहीं करती हूँ और शूटिंग डेज में भी, और अगर मैं कोई पार्टी वगैरह में जाती हूँ तभी मैं फाउंडेशन वगैरह लगाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सिर्फ ये बीबी क्रीम यूज़ करना ही प्रेफर करती हूँ। तो ये ब्लेंड हो चुका है एकदम परफेक्टली और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कोई मेकअप वगैरह लगाया है, मेकअप कह भी नहीं सकते इसे, बस ये क्रीम ही है जिसमें हल्का सा टिंट है।
इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी फेस पे लगाया है उसे सेट करने के लिए। कितनी बार तो होता है कि मैं बीबी क्रीम वगैरह भी यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइजेशन के बाद में ही हल्का सा फेस पाउडर लगा लेती हूँ और ऐसे ही हम शूट करने बैठ जाते हैं। पर आज क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसलिए मैं सारे स्टेप्स दिखा रही हूँ जो आपको करने चाहिए थोड़ा सा अगर आप रेडी हो रहे हो तो उसके लिए। तो बीबी क्रीम के बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर, और इसको मैं इसका जो पफ आता है उसे यूज़ ना करके मैं एक ब्रश की हेल्प से यूज़ करती हूँ इसे, जिससे कि इजीली और बहुत ही जल्दी से ये लग जाता है और अच्छे से लगता है। पफ से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा हो जाता है, वहीं ब्रश से ये काफ़ी स्मूथली लग जाता है। हम अपनी नेक को भी इससे सेट करेंगे। ये मेरी एक टिप है आप लोगों के लिए कि जब भी तैयार होते हैं तो अपने फेस के साथ साथ जो भी आप प्रोडक्ट लगाते हैं बेस के लिए वो अपने नेक पे भी ज़रूर लगाएं, बिकॉज फिर वही होगा कि फेस तो बहुत अच्छा सा दिखेगा और नेक नहीं दिखेगा। ओके डन, मेरा सारा काम हो गया है, मैं बस इतना ही मेकअप करती हूँ। थोड़ा सा अपने फेस को हम पिंकिश टोन देंगे ये ब्लश लगा के। ये मेरे मन के ऊपर होता है, मेरा मन होता है तो मैं कभी लगाती हूँ, नहीं मन होता तो नहीं लगाती हूँ। ये भी मेबलिन का है और ये है मेबलिन कलर शो ब्लश पीची स्वीटी इसका नाम है। और ब्लश लगाने के लिए आपको स्माइल करना होता है और अपने चीक्स पे से लगा लेना होता है। बहुत हल्का सा ही मैंने इसे लगाया है, हो गया। और लास्ट एक और स्टेप मैं अपने फेस पे करती हूँ वो है हाइलाइटर लगाने का। हाइलाइटर इज़ माय फेवरेट प्रोडक्ट, मैं चाहे कुछ भी ना लगाऊँ अपने फेस पे, सिर्फ अगर मैं फेस पाउडर लगा लूँ और हाइलाइटर लगा लूँ उससे ही मुझे बहुत अच्छा सा अपना फेस लगता है। ये मेरे पास ये हाइलाइटर है, इसका नाम है स्विस ब्यूटी का है ये ब्रिक हाइलाइटर। इसमें काफ़ी सारे शेड हैं और नीचे वाले से कभी कभी मैं ये जो पिंक और पीची टोन है इनसे मैं ब्लश भी लगा लेती हूँ और फिर मेरा ब्लश और हाइलाइटर एक साथ दोनों का काम हो जाता है। फिलहाल मैं अभी ये ऊपर वाला वाइट वाला यूज़ कर रही हूँ। जब फेस पे लाइट पड़ती है ना शूटिंग के वक्त तो फेस एकदम से जो ब्राइटनेस दिखाता है, जो चमक दिखाता है, जो लाइटनेस पड़ती है वो हाइलाइटर की वजह से ही होती है। तो इसीलिए हाइलाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यूज़ करना। बहुत ज़्यादा भी नहीं यूज़ करती हूँ मैं, बस हल्का सा इस पे से ब्रश करा और अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइटिंग करनी है वहाँ कर लेते हैं, जो कि यहाँ आपको चीक्स पे करनी चाहिए, नोज़ पे हल्का सा चिन पे और हल्का सा फोरहेड पे, एंड दैट्स इट। मैं कोई आई शेडो वगैरह नॉर्मली यूज़ नहीं करती हूँ डे टू डे लाइफ में, जब शूटिंग होती है तभी भी नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर मेरा मन करता है तो मेरे पास ये पैलेट है स्विस ब्यूटी का, ये भी ये देखो इसमें बहुत सारे शेड हैं। तो इसमें से जो बिल्कुल ही लाइट ब्राउन सा शेड है ये फर्स्ट वाला, कभी मेरा मन होता है अगर तो मैं इसको इस तरह से फिंगर पे लेके इसी को ही ऐसे अपने आईलेट पे लगा लेती हूँ। अगेन मैं आपको बता रही हूँ ये सारे स्टेप मैं हर शूट में नहीं करती हूँ, जब मेरा मन होता है उस हिसाब से मैं अलग अलग चेंज करती रहती हूँ। जैसे कि आज क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ तो इसीलिए मैं सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ कि आप भी ये सारे स्टेप अगर फॉलो करके छोटा मोटा कोई गैदरिंग हो, कोई पार्टी फंक्शन हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उस पर आप इस तरह से तैयार हो सकते हो। बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं लगेगा और एक नेचुरल सा मेकअप जो है आप इस तरीके से कर सकते हो। तो फिंगर की हेल्प से मैंने ये कि लाइट ब्राउन सा कलर बिल्कुल आईज पे लगाया है, ये देखो ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल नेचुरल क्योंकि हम ये मेकअप करने वाले हैं। ओके, तो ये सारे स्टेप्स डन, अब बात करते हैं आईज़ की। आईज़ के लिए जब मेरा मन होता है तो मैं कभी काजल लगा लेती हूँ, कभी मेरा मन होता है तो मैं आईलाइनर लगा लेती हूँ। आज मेरा मन है थोड़ा सा कुछ स्मोकी आई लुक क्रिएट करने का, क्योंकि आप लोगों को भी दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा तो कुछ आज करते हैं तभी दिखाऊंगी ना। अब नॉर्मल सा काजल लिपस्टिक लगा के तो नहीं दिखाऊंगी ना, तो चलिए मैं आज आपको काजल से हल्का सा स्मोकी लुक कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाती हूँ। तो काजल अपना लो, मेरे पास ये है लैक्मे का आइकॉनिक काजल और इसको अपना आईलाइनर जैसे ऊपर वाले लिड पे लगाना है। ओके
ओके, तो ये मैंने ऊपर वाली लिड पे अपना काजल लगाया है, बहुत ही क्लीन तरीके से नहीं लगाया है, थोड़ा उबड़ खाबड़ लगाया है क्योंकि हम इसे स्मज करने वाले हैं। एक मेरे पास ये ब्रश है, इससे मैं इसे स्मज कर रही हूँ। ओके, तो मैंने इसे स्मज कर लिया है। अब आप चाहें तो इसे इतना ही छोड़ सकते हैं या फिर इसके ऊपर आप एक और कोट जो है वो अपने काजल की या लाइनर की लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई आई शेडो पैलेट है जिसमें कि ब्लैक कलर है, जैसे कि मेरे पास यहाँ ब्लैक कलर है, इससे आप थोड़ा सा अपने ब्रश में लेके ये ब्लैक वाले आई शेडो को इसको भी हल्का सा इसके ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि और ज़्यादा हमारी आईज जो है स्मोकी लगेंगी। ओके, तो ये मैंने ब्लैक आई शेडो लगा लिया है। अब इसको थोड़ा सा और मैं एनहेंस करने के लिए एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ यहाँ अपने पैलेट से, ये डार्क ब्राउन कलर, और ऊपर वाली एज को मैं ब्राउन कलर से थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। इस तरह से आया है। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ मेकअप तो करना नहीं आता, बट थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। दोनों ही आईज़ को मैं थोड़ा अच्छे से और स्मज कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो इट्स डन, और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब एक और काम मैं इसी आई शेडो पैलेट से करूँगी, वो ये कि अपना फिंगर का यूज़ करके ये वाइट वाला जो शेडो है ये मैं लूँगी। ये मुझे हाइलाइटर जैसे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आईब्रो के नीचे वाली जो ब्राउ बोन होती है इसको मैं थोड़ा सा इसे हाईलाइट करूँगी। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, मैं अपनी सारी वीडियो के शूट में ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं आज आपको दिखा रही हूँ तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी थोड़ा सिंपल सा और इस तरह का स्मोकी आई लुक ये सब थोड़ा सा मैं आपको सिखाऊँ जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, ताकि वो थोड़ा सा उनको आइडिया लग जाए कि कैसे अगर आपको थोड़ा बहुत तैयार होना है तो कैसे आप हो सकते हो। ओके, तो आईज़ का लुक मेरा कम्प्लीट हो चुका है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ अधूरा सा लग रहा है। आप चाहें तो हल्का सा काजल इसके साथ लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ऊपर हमने बहुत ज़्यादा स्मोकी किया है इसलिए मैं नीचे कुछ काजल नहीं लगाऊंगी। लाइनर आप लगा सकते हैं, वो भी मैं नहीं लगाने वाली, आप चाहे तो लगा सकते हैं इसको और अच्छा सा एनहेंस करने के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़रूर लगाऊंगी वो है मस्कारा। मस्कारा से आईज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं, और जिन लोगों की इस तरह से बड़ी लैशेज़ होती हैं, मेरी हैं, पर थोड़ा सा अगर मैं और मस्कारा लगा लेती हूँ तो और अच्छी लगती हैं। तो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। ये बहुत अच्छा है, वाटरप्रूफ है, पार्टी वेयर में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसे मैं आज आपको लगा के दिखाऊंगी। और अगर आपके पास आईलैश कर्लर है तो ये ज़रूर यूज़ करें, इससे आईज़ जो है जो आईज़ की जो लैशेज़ हैं वो बहुत अच्छे से कर्ल हो जाती हैं, और मस्कारा और भी अच्छे से लगता है, आईज़ बहुत प्यारी लगती हैं। तो हम इसे करेंगे अपनी आईलैश को कर्ल, ये हो गई है और ये भी हो गई है। ओके, अब मैं लगाऊंगी ये मस्कारा। इट्स डन, और ये ऑलमोस्ट मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है, आई लुक मेरा डन है, मेरा फेस डन है। अब लास्ट बचे मेरे लिप्स। लिप्स पे मैं ज़्यादातर तो जो बिल्कुल आप मेरा पिंक सा कलर देखते हो, तो मैं ये मेबलिन का जो लिप बाम है ये पिंक टिंट वाला, मैं यही लगा लेती हूँ, और इससे हल्का सा मुझे पिंक कलर मिल जाता है। बट क्योंकि हम आज आपको लोगों को दिखाने के लिए मेकअप कर रहे हैं, तो मैं आज लगाऊंगी एक पिंक लिपस्टिक, और ये है ब्लू हेवन की लिपस्टिक। इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, ये है रेस्पबेरी लव, और इसकी दो लिपस्टिक हैं यही सेम लिक्विड लिपस्टिक इसी टाइप में, एक है रेस्पबेरी लव और एक है मरून पंक। ये दोनों ही मेरे फेवरेट कलर हैं, और ये ज़्यादातर तो आउट ऑफ स्टॉक ही रहती है। मैं अगर अभी स्टॉक में होगी तो कोशिश करूँगी इसका भी लिंक वहाँ पर देने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत ही प्यारा सा एक कलर आता है इससे। ये मेरी ट्रिक है कि नीचे वाले पहले मैं लोअर लिप पे लगाती हूँ, और इस तरीके से लिप करके फिर ऊपर वाले को थोड़ा सा सेट कर लेती हूँ।
और ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है और ये लगाते ही फटाफट से सूख जाती है। और इस तरीके से आपको ये लुक मिलता है, ट्रांसफ़र भी नहीं होती है अगर आप पानी पी रहे हो, कुछ खा पी रहे हो बहुत ज़्यादा, अगर आपने चिकना कुछ खाया मतलब ऑयली कुछ खाया तो निकल सकती है, अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही टिकी रहती है काफ़ी देर तक। अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, मेरा फेस डन हो चुका है। अब बात आती है बालों की, हेयर मेरे ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, आज मैंने हेयर वॉश किया था। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपना स्किन केयर और अपना हेयर केयर शेयर करूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, पर जितना भी थोड़ा बहुत करती हूँ वो आपके साथ मैं शेयर ज़रूर कर दूँगी। जितने भी लोगों को अगर जानना हो मेरा स्किन केयर या हेयर केयर, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज़ सिर्फ एक या दो लोगों के कहने पे अगर मैं पूरी वीडियो बना दूँ और फिर कोई देखे भी ना तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। अगर मुझे लगेगा कि अगर 10 लोग भी जानना चाहते होंगे ना तो मैं डेफिनेटली बना दूँगी। तो मैं आपको अभी बाहर ले जाके प्रॉपर लाइटिंग में अपना लुक दिखाती हूँ कि फाइनली कैसा लुक आया है। इयररिंग पहन लेती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ।